हेलो दोस्तों, चूड़ी वाला का एपिसोड 4 बहुत ही बढ़िया हुआ है। यहाँ पे मुरारी ने चूड़ी बेचने के बहाने हर लड़की का और हर औरत का दिल जीत लिया था और भूर के घर में फिर से पहुंचा और देखा कि भूरी ने घर पे नहीं था। तो वो रास्ते में आने के बाद देखा कि भूरी ने एक नदी के किनारे अपने कपड़े धो रही थी। तो वो अब से भूर के साथ बहुत टाइम तक बातें की और फिर उन्होंने उसके बातों में भूरी को उलझा ली और फिर उनको लेकर पास में ही एक निर्जन जगह पे चली गई। वहाँ पे जाने के बाद उन दोनों ने बहुत टाइम तक वहाँ पे बिताई। फिर मुरारी ने वहाँ से निकल आया। दूसरी तरफ काजरी यानी कि गांव के सरपंच के बीबी ने जब नहाकर आई थी तब उनके पति उनके साथ कुछ करने के लिए कहा, लेकिन वो नाराजगी दिखाई क्योंकि वो कही कि वो अभी नहाने के बाहर आई है तो उसे अकेला छोड़ दे। तो जब उसके पति ने बाहर चला गया तब वो अकेले ही अपने चूड़ियों को देखता रहा और मुरारी के साथ अपने को महसूस करने लगा। दूसरी तरफ संगीता के पति आ चुका, लेकिन संगीता ने अपने पति को देखते हुए भी कुछ खुश नहीं था क्योंकि वो बस मुरारी के बारे में ही सोच रहा था। यानी कि उन तीनों ने ही मुरारी के प्यार के पीछे पागल थी। उसके पति ने जोर करके उनके साथ बहुत टाइम तक बिताया, लेकिन बाद में जब संगीता ने गांव के नदी के किनारे जा रही थी तब उसके सामने भूरी भी पड़ गई और उन दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए देखा कि उन दोनों के हाथ में सेम तरीके से चुड़िया है। और अचानक वहां से कजरी भी निकल रही थी तो कजरी भी देखा कि उन दोनों के पास और उनके हाथ में सेम चुड़िया है और उन दोनों ने एक दूसरे को बोली कि ये चुड़िया उन तीनों को ही मुरारी ने दी है। और उसी वक्त मुरारी ने भी वहाँ से जा रहा था और उन तीनों औरत ने मुरारी के पीछे भाग रही थी उनको पकड़ने के लिए। और यहाँ पे ही इस वेब सीरीज का पार्ट 2 खत्म हो जाता है, लेकिन इसके अगले सीजन बहुत जल्द आएगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना इसके अगले सीजन के बारे में जानने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, धन्यवाद।